नमस्कार, वीएस किचन में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। पहले तो सबको बसंत पंचमी की बधाइयाँ। तो आज मैं बनाऊंगी बेसन का बहुत ही टेस्टी हलवा, और ये हम बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगा। तो आप भी इस तरीके से बना के देखिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे इसके लिए हमने एक पैन में 1 कप पानी ले लिया है। इस पानी को हम गर्म कर लेंगे। ये पानी हम हलवे में डालने के लिए मीठा बना रहे हैं, तो इसमें मैं 1/2 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। तो इस चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 1 कप बेसन का हलवा बनाएंगे, उसके लिए मैंने 1 कप पानी और 1/2 कप चीनी ली है। ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, तो इसमें मैं थोड़ा सा कर रही हूँ केसर यूज़। अगर आपके पास हो तो कर सकते हैं, वरना इसके बिना भी आप बना लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप मैं इसे येलो कलर दूंगी, तो इसके लिए मैं इसमें फूड कलर ऐड नहीं करूंगी। यहाँ पे मैं 1 पिंच हल्दी यूज़ कर रही हूँ। हल्दी का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा, बस उसका हलवे का कलर येलो हो जाएगा। और यहाँ पे इसको और टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। तो अब हमने इससे इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस हमने चीनी मेल्ट करनी थी। ये पानी हमारा बिल्कुल रेडी है, इसको हम उतार लेंगे। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैं 1 कप बेसन ले रही हूँ, और इसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है सूजी। सूजी मोटा या पतला आप कोई भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसको हमने बिना घी के ही इस तरह भूनना है। यहाँ पे आपने गैस की जो फ्लेम है वो स्लो रखनी है, क्योंकि बेसन जो है बहुत जल्दी जल जाएगा, नहीं तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, देखिए यहाँ पे बेसन जो है हमारा भुन गया है। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप घी। 1/2 कप घी मैंने पूरा ऐड नहीं किया, उसमें से 2 चम्मच घी मैंने साइड में बचा लिया है। तो यहाँ पर भी आपने गैस की फ्लेम को स्लो करना है, और इसको अच्छे से बेसन को घी में भून लेना है अच्छी तरह से, जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना जाए। देखिए यहाँ पे बेसन ने जो है बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, कितना पतला हमारा घी में तैर रहा है ये बेसन। तो इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। यहाँ पे आप कोई जल्दबाजी ना करें, बेसन अच्छे से हमारा भुन जाना चाहिए, तभी हमारा जो हलवा है बहुत टेस्टी बनेगा। अगर बेसन कच्चा रहेगा यहाँ पे तो हलवे में टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे बेसन जो है हमारा भुन गया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच घी, दूध ऐड। ये दूध इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इससे जो हमारा ये हलवा होगा बहुत दानेदार सा बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर जैसे ये हलवा, ये बेसन फिर थोड़ा सा सेट हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें 1 चम्मच दूध और ऐड कर दूँगी। तो आप ज़रूर ऐड करें, अगर दूध नहीं ऐड करना तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। तो लीजिए, यहाँ पे अब मैं ऐड कर दूँगी जो हमने चीनी वाला इसका पानी रेडी किया था। वो आप एकदम सारा पानी ना डालें, धीरे धीरे करके 2 से 3 बार में ये पानी ऐड करें। हम इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। देखिए वो पानी भी जो है सारा खुश्क हो गया, तब हम इसमें जो बचा हुआ पानी वो भी ऐड कर देंगे। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने ये सारा पानी इसमें डाल दिया है। अब हम बिल्कुल लगातार इसे चलाते रहेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने जो भी किशमिश, काजू और बादाम लिए थे वो इसमें डाल लिए हैं। आप पिस्ता, चिरौंजी, जो भी आपको अच्छे लगे वो डाल सकते हैं। आप चाहे तो पहले ड्राई नट्स घी में भी फ्राई करके डाल सकते हैं। तो लीजिए, ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, और ये इसके साथ ही भून जाएंगे इसमें। तो जो ये हमारा बेसन इस टाइम पे फ्लफ़ी फॉर्म में आ गया है। जब हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तो जो ये हलवा है, बेसन है, वो चिकनाई साइड में से छोड़ देगा, घी छोड़ देगा बिल्कुल। देखिए, अब 1 चम्मच जो घी मैंने बचाया था वो इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा, इसका सारा जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाएगा। तो लीजिए, देखा, आप देख पा रहे हैं कि जो हलवा है हमारा वो कढ़ाई छोड़ रहा है। देखिए कितना दानेदार सा हलवा हमारा रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, लगभग 7 से 8 मिनट हो गए हैं, जो हलवा है हमारा बन के रेडी हो गया। बिल्कुल इसने कढ़ाई छोड़ दी है, साइड में से घी इसके तैर रहा है। देखिए, आप देख पा रहे हैं। तो देखिए कितना फटाफट हमारा टेस्टी हलवा बन के रेडी हो गया। अब अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये टेस्टी हलवा कैसा लगा। और साथ में देखिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे और आप उसे देख पाएँ। तो लीजिए, मैंने यहाँ पे हलवे को कर दिया सर्व। तो ऊपर से मैं थोड़ा सा काजू बादाम बारीक काट के डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने ऊपर से केसर डाल दिया है,
और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ अपने प्यार पर रिकमेंड करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो कल फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।